Hello friends! Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Manish Mittal, and in this video we will see in the newspaper what you will have to read on 7th of February 2021. If you have not subscribed the channel please subscribe the channel and hit the bell icon so that you get the notification of these videos every day. Starting from the front page of the Hindu. <coughs> starting from the front page. नीति आयोग सीक्स टू ट्रैक इंपैक्ट ऑफ ग्रीन वर्ड तो नीति आयोग व्हिच इज़ द थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो इसने एक अप्रोच अब लेनी शुरू की है कि जो भी इस तरह के डिसीजन होते हैं जो कि कोर्ट्स देती हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाता है चाहे वो किसी तरह का कॉपर माइनिंग हो चाहे वो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हो किसी भी तरह के डिवेलपमेंटल प्रोजेक्ट किसी भी ग्रीन नॉड के मिलने या ना मिलने की वजह से अगर उसमें कोई इम्पैक्ट आता है तो उसको अलग से स्टडी किया जाएगा द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन वर्डिक्स ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अप्रोच ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स तो एक इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच बनाने की कोशिश की जाएगी नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि इसको आप दोनों तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं दैट वेदर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फास्ट ट्रैक द प्रोसेस विदाउट एनी रिगार्ड टू द ग्रीन कवर और सेकेंडली क्या गवर्नमेंट मतलब एक नई तरह का एक पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही है जिससे कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब अप्रूव किया जाएगा तो उसमें ग्रीन नॉड को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे यहाँ पर एक कुछ प्रोजेक्ट्स की इन्होंने एक्जाम्पल दी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अराउंड डेली या सैंड माइनिंग इन उत्तर प्रदेश या एम ओ पी एयरपोर्ट इन गोवा ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो या तो स्क्रैप कर दिए गए हैं या फिर इनमें ऑब्सटेकल्स चल रही हैं क्योंकि किसी न किसी तरह ये इन्वायरमेंटल लॉज के खिलाफ जाते हैं या फिर किसी तरह से एनवायरनमेंट इकोलॉजी को नुकसान कर रहे हैं तो इनको स्टडी करने के लिए देर इज स्पेशल फोकस नाउ ऑफ नीति आयोग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज को आपको अच्छे से पढ़ना है देन हम आते हैं ऑन पेज नंबर नाइन यू एस चाइना रिलेशन्स के ऊपर ये एक न्यूज़ है इसको आपको पढ़ लेना है गिव इट अ जनरल रीडिंग म्यांमार में क्या चल रहा है वो हमें ऑलरेडी पता है दिस इज इंपॉर्टेंट ऑन द वर्ल्ड पेज श्रीलंका सेटल्स फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर्स करेंसी स्वैप विद इंडिया श्रीलंका ने इंडिया के साथ फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर्स का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया है ओके okay? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही श्रीलंका ने इंडिया को Uh, अपने एक पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है बिकॉज ऑफ इट्स डोमेस्टिक कंपलशन बिकॉज ऑफ़ इंटरनल यू कैन से रिफ्ट विद इन द सोसाइटी कि वो अपोज कर रहे थे कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए इट वॉज़ अ पोर्ट प्रोजेक्ट तो ऐसा लगने लगा था कि इंडिया श्रीलंका जो टाइज हैं वो एक रफ वेदर की तरफ जा रही हैं बट ऐसा नहीं है नाउ दे हैव साइंड अ करेंसी स्वाप अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है आई आर पर्स्पेक्टिव से उसके बाद हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज पे यस अगेन दिस इज़ इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज पे ये इम्पोर्टेंट है दिस न्यूज़ वाटर्स केसिटी लाइकली इन द हिमालयन कैचमेंट इफ वार्मिंग कंटिन्यूज़ तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पढ़नी है कोरोना वायरस म्यूटेशन के ऊपर ये एक आर्टिकल है ये आपको ज़रूर पढ़ना है हाउ कोरोना वायरस म्यूटेट्स यूके में नई म्यूटेशन सामने आई है कुछ और कंट्रीज़ में छोटे छोटे म्यूटेशन के वेरिएशन सामने आए हैं कैसे कोरोना वायरस म्यूटेट करता है वो क्या होता है उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ये आपको पढ़ लेना है ज़रूर ऑन द साइंस एंड टेक पेज उसके बाद हम आते हैं एफ पेज पे एफ पेज काफ़ी अच्छा फीचर होता है द हिंदू का तो इस पर तीनों आर्टिकल्स जो आ जाए हैं आपको पढ़ने हैं फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टेक प्लेटफॉर्म्स ये पॉलिटी परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्विटर के साथ ट्विटर को गवर्नमेंट ने जो है वो इंस्ट्रक्शन uh, दी थी कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइप के हैशटैग्स को डिलीट करो सो so, कितनी रेगुलेशन चलती है गवर्नमेंट की इन टेक प्लेटफॉर्म्स पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और उसको कैसे कैसे कौन से लॉज उसको रेगुलेट करते हैं ये आर्टिकल उस पर आपको पढ़ना है सेकेंड बजट जो अनाउंस किया गया है यूनियन बजट जो अभी अनाउंस हुआ है उसका वन परसन कंपनी स्टार्टअप्स एन पे क्या क्या इम्पैक्ट है ये आपको अगर पढ़ लेना है फॉर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड थर्ड अगेन ऑन एन इकोनॉमी टॉपिक बैड बैंक बैड बैंक यानी कि जो सारे के सारे बैड डेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक बैंक बनाया जाएगा इज इट गुड फॉर द इकोनॉमी क्या यह एनपीए बढ़ते क्राइसिस को रोक पाएगा इसका एनालिसिस है ये आपको जरूर पढ़ लेना है तो तीनों आर्टिकल्स एफ वाले पेज पे आपको आज जरूर पढ़ने हैं मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज़पेपर व्हिच इज द इंडियन एक्सप्रेस तो इंडियन एक्सप्रेस में जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर उन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट दी है दैट बोथ द कंट्रीज हैव अग्रीड टू डिसएंगेज इन सम एल एरियाज बट नो विजिबल एक्सप्रेशन येट यानी कि इनसे पूछा गया कि इंडिया चाइना सिचुएशन पर क्या चल रहा है इट्स बिन अ यर नाव तो इनका ये कहना है दैट देयर हैव बिन अग्रीमेंट्स कि हम डिसेज कर लेंगे लेकिन अभी तक ऑन द ग्राउंड उसका असर देखने को नहीं मिला है सो वेरी क्लियर आंसर टू वट इज़ हैपनिंग ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेजेस की तरफ

गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी डायरेक्ट टैक्सेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम विवाद से विश्वास कि डायरेक्ट टैक्स अगर आपने कभी चोरी किया है या आपने इवेड किया है कभी भरा नहीं है टैक्स या कम भरा है तो गवर्नमेंट ने एक विंडो दी थी उन डिफ़ॉल्टर्स को कि अगर आप इस पर्टिकुलर डेट तक भर देंगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी या कम लगेगी तो उसका फ़ायदा 24.5 परसेंट जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उन्होंने उठा लिया है एंड दे हैव रिस्पॉन्डिड टू द स्कीम डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम इसको विवाद से विश्वास कहा जाता है कि विवाद मतलब डिस्प्यूट कि अगर आप नहीं भरोगे तो फिर इनकम टैक्स आप पे केस करेगा आपकी प्रॉपर्टी जब्त होगी देर विल बी अ लॉट ऑफ लीगल हर्डल्स उसका कॉस्ट आपको अलग से उठानी पड़ेगी एंड में आपको पैसे फिर भी भरने पड़ेंगे एंड देन इट विल बी पीनालाइज ऑल्सो उस पर पे पेनल्टी लगेगी तो डिस्प्यूट या विवाद से विश्वास बिल विश्वास यानी कि आप ऑनस्टली अपनी सारी अर्निंग्स वगैरह बता दो एंड देन यू फिल द टैक्स और हम आपसे पेनल्टी नहीं लेंगे इट विल सॉल्व द एनर्जी इट विल सॉल्व द मनी एंड टाइम ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज दैट ऑफ द टैक्स पेयर तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉस आया है पिछली बार की स्कीम से पंद्रह गुना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है इट्स अ गुड थिंग ये स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए सेकेंड इज़ पावर्ड बाय राइजिंग फॉरन करंसी एसेट्स रिजर्व जम्प टू फाइव नाइन्टी बिलियन डॉलर्स इंडिया के जो फॉरैक्स रिजर्व हैं या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पर हैं दे आर एट फाइव नाइनटी बिलियन डॉलर सो इट इज द हाइएस्ट एवर और जो एक्सटर्नल डेट है इंडिया का दैट इज फाइव फिफ्टी फोर बिलियन डॉलर तो एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे डेट से ज्यादा हमारे पास पैसा पड़ा है अभी दैट इज अग्निफिकेंट अचीवमेंट फाइव फिफ्टी फोर बिलियन डॉलर हमारे डेट हैं एक्सटर्नल डेट हैं और 590 बिलियन डॉलर्स हमारे पास रिजर्व में पड़ा है दैट मीनस वी आर ए नेट क्रेडिटर एंड प्रॉबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इतनी हमारी अच्छी एक्सटर्नल सिचुएशन है है राइट नाउ बिकॉज ऑफ द एवर ये अच्छी एक न्यूज ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आपको करनी है आज के न्यूज में ऑन द वर्ल्ड पेज आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द न्यूज इन द अदर न्यूज़पेपर Yes. So this is all that you have to read in these two newspapers today. Economy related, kafi achi articles hai FAQ page on the Hindu you have to read, and these important items on the economy page of Indian Express. This is important. Hai. So this is all for today. Thank you, and all the best for your exams.